Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 7, subject Marathi, Kavita, Prarthna, jiske kavi hai Jagdish Khebudkar. Let us now begin. प्रस्तुत कविता में विद्यालय प्रति प्रेम, आत्मीयता और कृतज्ञता की भावना सादर की गई है। नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा सत्यम शिवम सुंदरा। अब यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि हम अपने स्कूल को, विद्यालय के मंदिर को सलाम करते हैं सम्मान के साथ। हमारा जो स्कूल है वो कैसा है? सत्य का है, शिवम का है और सौंदर्य का है, मीन्स ब्यूटीफुल है। उसका क्या है? खजाना है वो। शब्द रूपी शक्ति दे, भाव रूपी भक्ति दे, प्रगति चे पंख दे चिमन पाखरा। अब यहाँ पर जो कवि है वो बोल रहे कि हे भगवान, हमें शब्दों की शक्ति दो, हमें भावनाओं से भरा विश्वास दो, पक्षियों के छोटे बच्चों की तरह हमें आसमान में उड़ने के लिए ज्ञान की पंख दो, ज्ञान का पंख दो। विद्यादन दे आमहास, एक छंद एक ध्यास, नव नई पहल तेरी दया सागर। अब यहाँ पर जो कवि है वो बोल रहे हैं कि हमें ज्ञान और बुद्धि का धन प्रदान करो। ज्ञान प्राप्त करने और सीखने की इच्छा के लिए हमारे अंदर बहुत जुनून होना चाहिए। आप दया के सागर हो, हमारे जीवन की इस नाव को आपके ही महासागर के माध्यम से सुरक्षित रूप से निकालकर हमें अपने स्थान तक पहुँचा सकते हो। मतलब जो कवि है वो बोल रहे हैं कि आपके ही जरिए हमारी जो भी मुसीबत है या हम जो भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आपकी ही शिक्षा से हम उस मुसीबत से या परेशानी से बाहर निकल सकेंगे, मतलब हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। हो आमी नीति मंत, कला गुनी बुद्धि मंत, कीर्ति चा कड़त जय उंच अंबरा। अब यहाँ पर जो कवि है वो बोल रहे हैं कि आप ही हो जिसे हमें गुण प्राप्त होगा और धार्मिक बना सकते हो। आपके आशीर्वाद से ही हम गुणों का जो विकास है वो करेंगे, हम बुद्धिमान बनेंगे। आपकी ही मतलब छत्रछाया में रहकर हम आसमान, एक दिन हम क्या करेंगे, आसमान को छू लेंगे। हमारे जो भी सारी एम है, जो भी सारा हमारा मतलब लक्ष्य है, हम उसको आपके जरिए प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा हमें आशीर्वाद।